सो आज बना रही हूँ मैं ढोकला। उसमें 1.5 कप मैंने मैं वो बेसन लिया है, तो इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच चीनी। इसको मिक्स कर लेना है। अभी पानी लेना है, थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्सअप कर लेना है। सो 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। फिर मैंने इनो डाला। इनो डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। अच्छे से करना है इसको मिक्सअप, तो अच्छा लगेगा, ये फूलेगा। सो एक बाउल लेना है। बाउल में तेल डालकर अच्छे से इसको हिलाकर इसमें डाल लेना। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। सो इसमें डालने में फिर मैंने उधर से तड़का लगाना शुरू कर दिया है। अभी मैं सरसों डाल रही हूँ। सरसों डालने के बाद अभी मैं डालूँगी कड़ी पत्ते के कुछ पत्ते। डालने के बाद अभी मैं नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद थोड़ी सी चीनी डालूँगी। चीनी डाल के मैं लेमन जूस डालूँगी। लेमन जूस के बाद मैं पानी डालकर इसमें मिर्ची काट कर डाल दिया। सो मेरा तड़का तैयार हो चुका है, जैसे अच्छे से पक जाएगा। अभी मैं देख लेती हूँ बैटर मेरा हुआ है कि नहीं। अभी मैं चाकू के, ये मेरा हो चुका था, तो अभी मैंने देखा कि मेरा हो चुका है। अभी इसको हमने काटना है। अब जैसे भी काट सकते हो, कैसी भी शेप पर काट सकते हो। मेरे को जैसा लगा मैं वैसे ही काटूंगी। तो अभी मैं इसको काट रही हूँ। याद रखिए कि ये बाउल जब ठंडा हो जाएगा तभी इसको निकालना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाता है, निकलता नहीं है। तो अभी मैं इसमें तड़का जो लगाया हुआ था वो डालूँगी। अच्छे से इसको फैला कर रख दिया है। अभी 1-2 मिनट के लिए रख दो इसको ठंडा होने के लिए। तो खाओ पियो मजे करो। ओके, बाय बाय।